bismillahir Assalamualaikum rahim assalamu alaikum students how are you all hope so all of you fine class play group topic introduction of letter g video number 7 today is monday and the date is 28th of september 2020 Classwork page number 25 and 26 now students open your my activity book of letters and sounds First of all, teacher will revise our previous letter. A A alligator A ant A ambulance A apple B, B ball B balloon B bird B bell K, K cake, K carrot, K car, K cat, D, D drum, D duck, D dog, D doll, E, E egg. A elephant, a engine, a envelope. F. for finger, for fish, for five, for flower. Now, student, today's our topic is letter G. This letter is ग ग ग ग ग्रेप्स गुग ग्लव्स ग्रेब्स ग गुग गेट नेक्स्ट इज ज्वाइन डॉट्स बाय फॉलोइंग द एरो स्टूडेंट्स हम क्या करना है ये जो हमें डॉट्स दिए हुए गए हैं इनको हमने ज्वाइन करना है पेंसिल से एरो से हमने स्टार्ट करना है और डॉट्स के ऊपर ऊपर पेंसिल से राइट करते जाना है इसी तरह इस वाले में भी हमने ऐसे ही करना है एरो से स्टार्ट लेना है और पेंसिल से डॉट्स को डॉट्स से ज्वाइन करते जाना है ओके okay, स्टूडेंट्स our class work is done and this is your homework page number 27 and 28 identify and color the pictures starting with letter g kya, uh, letter g kya karna hai humne letter G ग से स्टार्ट होने वाली पिक्चर्स में हमने क्या करना है कलर्स करने हैं ग ग्रेप्स और ग गेट इन दोनों पिक्चर्स में हमने क्या करना है कलर्स करने हैं सबसे पहले कलर्स करने के लिए हम क्या करते हैं आउटलाइन बनाते हैं सबसे पहले ग्रेप्स में हमने आउटलाइन बनानी है और ग्रेप्स में कलर कौन सा होता है ग्रीन कलर करते हैं हमने ग्रीन कलर से आउटलाइन बनानी है इसकी इनके लीव्स में डार्क ग्रीन और इनकी जो ग्रेप्स हैं इनमें हमने लाइट ग्रीन करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है आउटलाइन बनानी है और देन हमने सेंटर में डार्क कलर करने हैं उसके बाद हमने किस में कलर करने हैं क गेट में आप लोगों ने सबसे पहले क्या करनी है आउटलाइन बनानी है जैसे टीचर ने गेट में सबसे पहले आउटलाइन बनाई है इसी तरह आप लोगों ने भी आउटलाइन बनानी है उसके बाद आप लोगों ने सेंटर में डार्क कलर करने हैं नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द लेटर ग क्या करना है यहाँ पर हमने लेटर ग को आइडेंटिफाई करना है देन उसके बाद हमने उसको सर्कल करना है पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है इज़ इट ग यस इट्स ग और टीचर ने इसको सर्कल भी किया हुआ है क्योंकि ये ग लेटर है इज़ इट नो इट्स नॉट ग इट्स ख इज इट ग यस इट्स ग क्योंकि टीचर ने इसको सर्कल भी किया हुआ है और ये लेटर ग है इज़ इट क नो इट्स नॉट क इट्स ड इज इट क नो इट्स नॉट क इट्स अ इज इट नो इट्स यस इट्स ग टीचर ने इसको सर्कल किया हुआ है इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी बुक पे आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले उसके बाद उसको हमने क्या करना है सर्कल करना है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर ग पे क्या है हमने ग लेटर से स्टार्ट होने वाले पिक्चर्स को क्या करना है हमने सर्कल करना है ग्लव्स ग गर्ल टीचर ने ग्लव्स और ग गर्ल को सर्कल किया हुआ है इसी तरह आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई करना है उसके बाद उसको हम सर्कल करना है नीचे है ट्रेस एंड राइट लेटर ग हमने ट्रेसिंग करनी है और राइट right भी करना है कौन सा लेटर हमने राइट right करना है ग सबसे पहले हमने फर्स्ट पहले एरो से हमने स्टार्ट लेना है और डॉट्स के ऊपर ऊपर हमने राइट right करते जाना है जैसे टीचर ने फर्स्ट वाले टू लेटर्स में डॉट्स के ऊपर राइट किया हुआ है और लेटर ग राइट किया हुआ है इसी तरह आप लोगों ने भी इसी तरह पूरे पेज के ऊपर डॉट्स के ऊपर जॉइन करते जाना है एरो से स्टार्ट लेना है और डॉट्स को डॉट से जॉइन करना है तो लेटर ग राइट हो जाएगा नीचे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे हमने खुद से लेटर ग कर राइट करना है हमें ये जो यहाँ पे एक डॉट दिया गया है यहाँ से हमने एक ऐसे सर्कल बनाना है उसके बाद हमने ऊपर वाली लाइन से एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे वाली लाइन को टच करके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा लेके जाना है तो हमारा लेटर ग राइट हो जाएगा फिर हमने आगे नेक्स्ट भी टीचर ने ऐसे किया हुआ है सर्कल से डॉट से टीचर ने सर्कल एक ड्रॉ किया हुआ है टू लाइंस में इस और इस वाली लाइन के सेंटर में वो कलर आना चाहिए इसके बा ऊपर नहीं जाना चाहिए वो वाला सर्कल और इसके नीचे भी नहीं जाना चाहिए इस टीचर ने इस वाले डॉट से एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद टीचर ने ऊपर वाली लाइन से एक ऐसे लाइन ड्रा करते हुए नीचे को नीचे वाली लाइन से टच करके ऊपर थोड़ा सा लेके गई हैं तो क्या हुआ टीचर का ग लेटर रा, लेटर राइट हो गया आप लोगों ने भी इसी तरह नीचे पूरी लाइन के ऊपर लेटर ग राइट करना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू